नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सस्ती का स्वागत करते हैं, इकबाल करते हैं इस करंट अफेयर के सेशन में। और आज है 20 मार्च और 20 मार्च का करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। हम आशा करते हैं सही होंगे। है तो फटाफट सभी लोग जाइए भाई, सभी लोग जुड़ जाइए और आज का करंट अफेयर्स आपके लिए अवेलेबल है। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। आज की करंट अफेयर आपके लिए तो सबसे पहले आपको बता दें कि टॉप एजुकेटर्स के बैच अभी हाल ही में स्टार्ट हुए 17 मार्च से। तो कितने लोगों को ज्वाइन करना है आगामी परीक्षाओं के लिए टॉप एजुकेटर्स के बैच, आप ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट। और इसके आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन। और अगर हम बात करें तो आसान अकेडमी का और सबसे ज्यादा फैकल्टी आपको अनअकेडमीज टॉप फैकल्टी देख पा रहे हैं। यही वो फैकल्टी हैं जो सिलेक्शन आगे हैं। फटाफट बात करें, यही लोग चाहते हैं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म पर बेस्ट प्रिपरेशन। अगर 30 प्लस बैच हर महीने स्टार्ट होते हैं, 40 के आवर रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल, कंटेंट अपलोड यानी आपके लिए अवेलेबल, बढ़िया रिसर्च करके 20 प्रैक्टिकल अवेलेबल, 70 क्रिएटर्स आ रहे हैं। क्या खिलाड़ी है वो सब अवेलेबल और आप भी लीजिए। आप देख चाहे वो बेटा अनलिमिटेड टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, चाहे डेडिकेटेड आउट, यही सब ये सब आपके लिए अवेलेबल है। ये फटाफट आपको बता कि हर मॉर्निंग 10 AM हम अनअकैडमी कॉम्बैट और यहाँ और तो जीत एक तो आप उस अगर आप हमारे ऐसे नाम है और अगर आप इसको आपको यहाँ आपको और अगर बात लेट्स क्रैक इट, भारत के साथ टिम्बर समझौता, भारत के साथ टिम्बर समझौते पर हस्ताक्षर करके कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में गया है? Which country has signed international solar alliance by signing framework agreement with India? इनमें से कौन सा देश भारत के साथ अभी हाल ही में टिम्बर समझौता और किसमें है इंटरनेशनल अलायंस में? फटाफट बताओ आंसर है बेटा हाल ही में इटली ने अभी हाल ही में इटली हाल ही में भारत के साथ एंड किया है ये रही वो पर से ये इम्पोर्टेंट कर बना है। इटली साइन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ANI की खबर है ये बेटा। और अगर हम बात करें तो सब इटली के बारे में जान प्रेसिडेंट राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला, सर्जियो मैटेरेला और कैपिटल क्या है? रोम। करेंसी की मारियो ड्रैगी। और अगर बात करें किस किया
इस क्वेश्चन के बारे में बात, भारत और गठबंधन इटली आई ए आई एस ए के फ्रेमवर्क सभी राज्यों की है। आई एस ए भारत द्वारा शुरू अधिकांश सदस्य देश वाले हैं। आंसर हम बात सबसे ज्यादा आईएएस सदस्य, अगर हम बात करें फ्रांस के राष्ट्र पेरिस फ्रांस में आईएएस फ्रांस पर नरेंद्र मोदी और दिस इज अ पार्ट ऑफ राजधानी का नाम स्पेन की फ्रांस की बात जर्मनी ग्रीस की बात करें था कम ऑफ किस तटीय राज्य से आई एस आई आर राष्ट्रीय एस आई एन आई ओ के जीव नक्शा बनाने परियोजना इन विच कोस्टल स्टेट वह कौन सा तटीय राज्य है सी एस आई आर नेफी हैज लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें आर और आई ओ बात करें राज्य राज्य का हिंद महासागर में उन पर ट्रेस धातु और जीवों की मानसिक माने परियोजना इस एसआईआर द्वारा ट्रेस बायो ट्रेस बायो एसआईआर अब देखो के बारे में बात राजधानी और
अब आपसे अगर राजधानी राजधानी नाडु की राजधानी बाकी राज और महाराष्ट्र राज्य में क्वेश्चन रिसेंटली विच एडिशन ऑफ इंडियन ब्राजील जिसे क्या कहा जाता है ब्राजील तो रिसेंटली विच एडिशन ऑफ इंडिया ब्राजील वुमेन्स लीग हैज बीन लेड बाय द गवर्नमेंट थर्ड बैठक एडिशन एडिशन भारत जिला मध्य सेमी बैठक में बैठक का नेतृत्व का विकास भारत ब्राजील तीन प्रमुख आता है इफ्सा की बात 6 जून पहले कहां का ब्राजील इस कौन सा बता दिया है ठीक है फटाफट अगले जॉन बॉम्बे पली खाली में जॉन बॉम्बे मोग जिनका हाल ही में आपको बता पास्ट वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ का नाम क्या है तो उस दानिया के राष्ट्रपति कौन पॉम्बे का 61 वर्ष है कौन पॉम्बे मुख बुलडोजर नाम दिया गया था क्या नाम दिया पर हाल ही में डेथ हुई है राजधानी का नाम है यहाँ की और राष्ट्रभाषा पहली राष्ट्रपति आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 5 और आज की खबर देख स्टॉप टीवी पार्टनरशिप स्टॉप टीवी पार्टनरशिप स्टॉप टीवी बोर्ड के अध्यक्ष बना हर्ष वर्धन ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पच्चीस तक भारत को ये नियुक्ति यानी दो लिया है स्वास्थ्य मंत्री 2000 टॉप टीवी के अंतर सफेदिक यानी घर के अभिनेता यह अंतर चार क्वेश्चन टीवी को इस पद हर्षवर्धन 3 साल पर बात करें आगे बढ़ते
Recently, the Ministry of Road Transport and Highway, the week, हाल ही में आपने देखा क्या हुआ, वाहन अकॉर्डिंग टू पॉलिसी प्राइवेट एंड कमर्शियल व्हीकल आफ्टर इफ फाउंड अनफिट, अगर कोई पाया जाता है दिन के बाद री रजिस्टर और तो प्रकार ही रजिस्टर किया जाएगा। आंसर क्या ईयर और ईयर ईयर आपको बस होंगे उनको और केंद्रीय परिमाण नीति का उद्देश्य फैलाना से अधिक पॉलिसी जरूर तक पूरी वाहनों के टैपिंग से आने और वाहनों की पांडे जी अगर हम बात करें ये था नया सिस्टम हाल दिया अब इसे और इसके आगे बढ़ भारत ने इसमें आपूर्ति नेट भारत है साइन कॉन्ट्रैक्ट माल का बाल आंसर है माल दीप मालदीप के 34 द्वीप के जल आपूर्ति नेटवर्क भारत का हस्ताक्षर इसके द्वारा हस्ताक्षर भारत के द्वारा मालदीप के 34 आपूर्ति सबसे भौगोलिक भारत एग्जिम बैंक ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत किया क्या है राष्ट्रपति
अगला क्वेश्चन, किस वैक्सीन निर्माता ने अपने कोविड-19 वैक्सीन का छोटे बच्चे और शिशु पर परीक्षण शुरू किया है? Which vaccine manufacturer has started testing COVID-19 children and babies? बच्चों की भी अब तैयार किया जा रहा है टीका और स्टार्ट हो गया है, बस इसी क्रम में आपको बता रहा हूं। उस कंपनी का नाम है मॉडर्ना। क्या नाम है? मॉडर्ना ने एक अध्ययन में 6 महीने और 12 साल कोरोना वायरस दवा कंपनी द्वारा परीक्षण शुरू कर दिया गया है। मॉडर्ना कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित एक और मैसेंजर आरएनए पर आधारित दवा वैक्सीन केंद्रित है। समझ लीजिए 6 महीने कौन सी क्या बना रही है बेटा, कौन 6 साल 12 साल बढ़ाना का, अगर बात बढ़ाना और मुख्यालय बेटा मैसाचुसेट्स आज अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है बेटा, फटाफट आंसर। द ग्लोबल रिसाइक्लिंग डे हैज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड ऑन डे ऑफ मार्च। ग्लोबल रिसाइक्लिंग कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा 18 ऑफ होता है ग्लोबल डे हर साल 18। इसका उद्देश्य आम जनता में उस दिन हमारे में जागरूकता पैदा करना है इस पर हमारे इन रिसाइकलिंग की इतिहास को भी बढ़ावा दे टीम है बेटा प्राकृतिक संरक्षण है। फटाफट बताओ मनाया जाता है? आपका आंसर होगा 18 मार्च। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज अ मंथली पेनल्टी ऑफ 2 करोड़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन प्रो and of the Act 19। किस बैंक के ऊपर भारतीय रिजर्व इस उपलब्ध है कि उल्लंघन उस बैंक पहले कहा भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग नियमन पास की आरबीआई के 25 अब आरबीआई की बात करें तो उसके एसबीआई का मुख्यालय कहाँ? एसबीआई स्थापित कब? और इसके आरबीआई मारिया सरताज जी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग पांडे जी को भी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं एक मॉर्निंग
Which of the following country has announced to build the world largest floating solar frame? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फ्रेम कौन सा जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फ्रेम कौन सा देश मनाने जा रहा है? क्या वो रशिया है, चाइना है, इंडिया है, कौन है? फटाफट बताना है भाई साहब। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फ्रेम कौन सा देश मनाने जा रहा है? इसका सही आंसर है सिंगापुर। हाल ही में खबर थी सिंगापुर इज द राइट आंसर। तो सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाने की है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी कार्बन डाइऑक्साइड अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया का बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म का निर्माण कर रहा है सिंगापुर। 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग 4 गुना रहा। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहां था ये बनाया जाएगा? सिंगापुर है और कैपिटल हैसिन लोंग ये कहा है यहाँ के प्रधान। सिंगापुर में सबसे बड़ा सोलर पार्क ईस्ट अफ्रीकन कंट्री बिल्कुल डी इज द राइट आंसर है मारिया मैम। डी इज द राइट आंसर और शेयर कर दो। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री केन्या हैज पार्टिसिपेट इन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑन मैरिटाइम बाउंड्री व्हिच ऑफ इट्स नेबर कंट्री। बिल्कुल आसानी समझिएगा, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्र पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने से केन्या ने अभी हाल ही में क्या और उस देश का नाम सोमालिया है। सोमालिया अभी हाल ही में कौन सा चल रहा है समुद्र विवाद के लिए कोर्ट है इसमें कर दिया इस सोमालिया के साथ समुद्री न्यायालय की सोमालिया और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अगर इस चार्टर के इंटरनेशनल देखो केन्या की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उहुरु केन्याटा क्या केन्याटा राजधानी नैरोबी है और यहाँ की करेंसी अगर सोमालिया की बात करें तो मोगादिशु अगर यहाँ की करेंसी मोहम्मद अब्दुल्लाही और फरमाज राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन, मध्य अमेरिका का कौन सा देश है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मलेरिया मुक्त फटाफट बता पहला देश विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन सेंट्रल अमेरिका टू गेट मलेरिया फ्री स्टेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहला ऐसा देश कहाँ का है बेटा? सेंट्रल अमेरिका द्वीप। पहला ऐसा देश हम बताएं सर, आवाज बहुत लैग कर रही है। अभी देखिए आवाज साफ आ रही है ठीक है। अगर बात करें बेटा मध्य अमेरिका का वह कौन सा देश है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र दे दिया है, तो उस देश का नाम है अल सल्वाडोर। क्या नाम है बेटा? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर इज द राइट आंसर। तो अल सल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका पहला देश बन गया है। WHO मलेरिया उन्मूलन का एक प्रमाण पत्र देता है जो कोई देश एक उचित संदेह से परे साबित करता है उसे पिछले 3 वर्षों में देश भर में बीमारी का कोई स्वदेशी ना हुआ हो, तो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। अल सल्वाडोर
1998 में मलेरिया का प्रकोप नहीं था। 2017 के बाद से कोई भी स्वदेशी मामला दर्ज नहीं किया गया है। अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त किया है और अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति का नाम क्या है बेटा, नायब बुकेले। क्या है नायब बुकेले, यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। राजधानी है क्या है, सैन सल्वाडोर और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो अल सल्वाडोर पहला ऐसा देश है बेटा मध्य अमेरिका में मलेरिया फ्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की इन दो राज्यों में एक व्यापक योजना लागत 9,100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। क्या लिखा है बेटा, केंद्रीय मंत्रिमंडल आर्थिक समिति 9,100 करोड़ की व्यापक योजना को अनुमति दी है। किन दो राज्यों में, क्या वो और आंध्र प्रदेश है, क्या वो असम और सिक्किम है, क्या अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश है, क्या अगर हम बात करें बेटा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है, तो सही आंसर है इसका बेटा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। क्या है सही आंसर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। बात करें अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री आर्थिक समिति 9,100 करोड़ रुपए की अनुमति लागत पर अरुणाचल प्रदेश और लागत, इसका उद्देश्य दूरवर्ती स्थानों को प्रदान करना, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अंतरराज्य और वितरण अवसरों को मजबूत करना है, ठीक है। सरकार की योजना अरुणाचल प्रदेश सिक्किम सहयोग के तहत पावर ग्रिड माध्यम से कार्यान्वित जा रही है। शोधकर्ताओं ने किस विदेशी संस्थान के साथ मिलकर एक आणविक विकसित किया है जो कैंसर की दवाओं की पहचान करने में सक्षम है। फटाफट आंसर दे देता सरल है, नया करंट अफेयर। रिसर्चर्स ऑफ इंस्टेम हैव डेवलप्ड अ मॉलिक्यूलर सेंसर विद विच फॉरेन दैट इज केपेबल आइडेंटिफाई कैंसर ड्रग। तो कौन सा वो बेटा जो मॉलिक्यूलर डेवलप किया गया सेंसर को पहचान सकता है, उस कंपनी का नाम बताना है आपको, आंसर देना है बेटा वो क्यूई इंस्टीट्यूट। हाल ही में आणविक सेंसर कैंसर की दवाओं की पहचान करने में जीवित को कैसे कुछ नलिकाएं साइटोस्केलेटन का हिस्सा होती है के द्रव में के भीतर वे कई रसायनों के जवाब में बदल जाते हैं। खुद फ्रांस के और से इंस्टीट्यूट भारतीय के साथ ये किया गया है बेटा क्यूवी इंस्टीट्यूट फ्रांस का है, फ्रांस का है क्यू है। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी हैज डीकमीशन टू ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग आर्टिलरी सिस्टम। वो आर्टिलरी सिस्टम को इन्होंने है और उनमें से एक नीचे है, वो एक कौन है फटाफट। तो भारत की सेना ने लंबे समय तक काम करने वाली आर्टिलरी से को सेवा निवृत्त किया है, उन कौन सा एक नीचे फटाफट आंसर दे। क्या वो 100 टेम्पेला मोर्टार है, 120 लाहत एटीजीएम है, या 120 एमएम एक्सियल टेम्पेला मोर्टार है, या 100 M46 कैटापुलेट गन है। बिल्कुल सही आंसर ये है 146 कैटापुलेट गन। हाल ही में अभी किसने, भारत की सेना ने
सबसे लंबे समय तक सेवारत दो आर्टिलरी सिस्टम 130 mm सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्ट गन और 60 mm का मोर्टार को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज सेवानिवृत्त के दोनों आर्टिलरी सिस्टम लगभग 60 वर्षों भारतीय सेना 130 mm कैटापुल्ट गन की 27 किलोमीटर अधिक है। 19 कैटापुल्ट गन को सेवा में शामिल 60 मिमी का मोर्टार की रेंज 6 किलोमीटर है। उन्होंने 1903 भारतीय के बाद भारतीय सेना में शामिल ताकि उत्तरी सीमा करने के लिए एक हथियार प्रणाली ये थे बेटा वो तो प्रोडक्ट जिन भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भारत की और इसी के यहाँ पे लिखा भारतीय का नाम है बड़े साहब का मनोज। और अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न एंड गूगल डेवलप क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन तो न्यू क्लाउड बेस्ड 5G का तो किया गया है नोकिया के द्वारा। तो अगर हम बात करें क्या है बेटा माइक्रोसॉफ्ट अमेज़न एंड गूगल डेवलप अ न्यू क्लाउड बेस्ड 5G रिटर्न नेम इज टेलीकॉम फिनिश टेलीकॉम क्लाउड आधारित साझेदारी की है। इसे इसके रेडियो एक्सेस नेटवर्क तकनीक के साथ विकसित किया जाएगा और RAN रेडियो एक्सेस नेटवर्क फाइल दूरसंचार प्रणाली है। यह प्रणाली रेडियो एक्सेस तकनीक के कोर नेटवर्क के साथ एक अगर हम बात करें हाल ही में 5G तो रेडियो क्लाउड सिस्टम 5G रेडियो सिस्टम है फेसबुक तब वो क्या की बात मार्क है स्थापित कब 12 मई क्वेश्चन नंबर आप ठीक है। अगली खबर कहां से आ रही है अगली खबर आ रही है पर्यावरणीय रूप से स्थायी सहायक सहायक लाभदायक वृद्धि प्राप्त करने के बाद विश्व आर्थिक व्हाइट हाउस ने दिया गया है इसे नाम दिया गया है रिन्यू पावर। रिन्यू पावर को नेटवर्क का नाम दिया गया है जो सहायक लाभ नई तकनीक का उपयोग पावर एक भारतीय 8 GW अधिक का है इसमें 5 GW है रिन्यू पावर इस साल ग्लोबल तो भारतीय कंपनी एक है तो भारत कंपनी के नाम वर्ल्ड फोरम के द्वारा सर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा वॉइस इज क्लियर बट थोड़ा जुखाम है इसकी वजह से आपको साफ नहीं सुनाई दे रही है। नेम द ऑडियो कैसेट टेप इन्वेंटर हु पास्ड अवे रिसेंटली आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है निधन हो गया है जिन्होंने जो कैसेट है उसकी ऑडियो कैसेट टेप के जो आविष्कारक थे उनका नाम आपको बताना है और उनका नाम क्या है बेटा का नाम है लो ओटेंट क्या नाम है बेटा लो ओटेंस क्या नाम है बेटा लो ओटेंस ठीक है। अगर हम बात करें ऑडियो के टेप के टच आविष्कारक लो ओटेंस का निधन हो गया है किसका निधन हुआ है
ऑडियो कैसेट टेप के डच आविष्कारक लो फ्रेंस का निधन हो गया है। डच इंजीनियर ने कैसेट टेप का आविष्कार करने और पहली सीडी के विकास में मुख्य भूमिका, इन्होंने ही सबसे थे। इनका नाम क्या है? लो ओसेंट। क्या नाम था? लो ओसेंट। क्या नाम? ओटेंस, सॉरी ओटेंस, जिनका भी हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। क्या हो गया है? निधन हो गया। ई इज द राइट आंसर, ई इज द राइट आंसर। हाल ही में संसद ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020 पारित किया है, 2020 पारित किया है, इससे संबंधित पारित किया, इससे भारतीय संविधान के किस अधिनियम जाएगा? अभी हाल ही में प्रेगनेंसी वाला एक एक्ट पास हुआ है और इसे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1968 में, मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट 1968 में, मेडिकल ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1970 तो जाएगा वो मेडिकल ट्रांसमिशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बेटा। संसद ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020 पारित किया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2000, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 19 करना चाहता है। यह महिलाओं कानूनी गर्भपात की 24 सप्ताह तक बढ़ा देगा। मेडिकल बिल ऑफ प्रेगनेंसी सामाजिक मानवीय आधार पर सुरक्षित और कानून गर्भपात तक पहुंच। यहाँ पर बेटा अबॉर्शन होता है रिगार्डिंग ये। मध्य अमेरिका का कौन सा देश, अमेरिका का कौन सा देश का क्वेश्चन है? मध्य अमेरिका का कौन सा देश विश्व इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? फटाफट बताओ, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया है? और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? फटाफट बताओ क्या आंसर है। आंसर है कौशल्या शंकर। किसको किया गया है बेटा? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 है कौशल्या शंकर जी को। है अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास में तमिलनाडु स्थित जाति तक कौशल्या शंकर पुरस्कार से नामांकित किया गया और सम्मानित किया गया है। नामांकन का प्रमाण आई डब्ल्यू अवार्ड शहर में आयोजित एक कार्यक्रम हसी महिला प्रेरणा बेहतर दुनिया में चेन्नई स्थित रेबिन ने अमेरिकी महावाणिज्य द्वारा सौंप दिया गया था। अगर बात करें दिस कौशल्या शंकर को, किसको दिया गया? कौशल्या शंकर है, ठीक है बेटा। यहाँ पर आंसर होगा ए। संसदीय समिति ने सरकार के पॉस्को एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में सिफारिश की। पार्लियामेंट्री पैनल आस्क गवर्नमेंट टू रिड्यूस एज 18 to 15, कितना करना है बेटा? फटाफट बताइए कितना करना है। पॉस्को एक्ट के तहत है वो घटाकर कितना कार्यरत पाया जाता है? सदीय समिति ने सरकार से साल का सिफारिश की है। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा वाली गृह मामले अपनी है कहा गया है पोस्ट अपराधियों की कम थी, लिहाजा यह बेहद आवश्यक है और ऐसे अपराधों में ज्यादा नाबालिग पकड़े जा रहे हैं। अब ये उम्र से सुन रूस और निम्नलिखित किसने चंद्र अनुसंधान स्टेशन पर है? ये खबर फिर है चीन और रूस ने चंद्रमा पर अनुसंधान केंद्र। अगर हम बात करें रूस और चीन ने चंद्र अनु
की है। अंतरराष्ट्रीय चंद्र विज्ञान स्टेशन अनुसंधान और प्रयोगात्मक सुविधाओं का एक जो या फिर उसकी कक्षा में बनाया जाएगा। इस परिसर को बहुत और बहुत अनुसंधान कार्य किया जाएगा। चीन और रूस इस परियोजना और यहीं से लकड़ी का उपग्रह आंसर जापान इज द राइट आंसर। और ये थे आज के करंट अफेयर्स, तो अब खत्म। और आज की मैं खबरों को आपको पढ़ाया है, ऐसी खबर हमारा कोड है ARS50+ प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक बैंक। थैंक यू।